नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के जो सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं हैं जिनके पास सब्जेक्ट है VEEE, तो ये जो ज़्यादातर सब्जेक्ट है वो CS और IT ब्रांच के पास है, मतलब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप पढ़कर आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। ये जो वो क्वेश्चन है ये लगातार पिछली बार मतलब एग्जाम्स में आ रहे हैं, और चलिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य सिद्धांत बताओ। ठीक है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसकी वर्किंग बतानी है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों को बताओ, मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी लॉसेस होते हैं उनको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत ऊर्जा के लाभ तथा हानि बताओ। ठीक है, यहाँ पे हमें विद्युत ऊर्जा की लाभ बतानी है प्लस उनकी हानि। अगला क्वेश्चन है, वॉट मीटर के कनेक्शन को प्रदर्शित करो। ठीक है, हमें वॉट मीटर के कनेक्शन को यहाँ पे प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल को समझाओ। छठा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का CMF समीकरण लिखो। सेवन क्वेश्चन है, AC तथा DC में अंतर बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है। ठीक है, ये 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्योर इंडक्टर तथा प्योर कैपेसिटर सर्किट के वोल्टेज तथा करंट के बीच फेज डिफरेंस बताओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अर्ली डिफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा तथा बीटा को परिभाषित करने के साथ अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध स्थापित करो। ग्यारहवां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थेवेनिन थ्योरम तथा KCL एंड KVL लोगो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, JFET की कार्यप्रणाली बताइए तथा JFET एंड MOSFET के बीच अंतर बताइए। पंद्रहवां क्वेश्चन है, VJT और FET में अंतर बताइए। ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये इसमें से आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। 6-7 मिलने का मतलब है आपको 5, 36, 5, 37, 35, मतलब 30 से 35 नंबर का आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेगा। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइए और मैं आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चन तैयार अच्छे से कर लोगे। वीडियो को आज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।